भारतीय टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से रौंद डाला और फिर हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने होटल में जाके होटल के कमरे में लगाई फांसी और हुआ बड़ा बवाल। दोस्तों अभी देखना चाहते हो क्या पूरी खबर, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया अहमदाबाद के मैदान पे, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बनाए 191 रन, जिसमें बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रन की पारी खेली मगर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। बाबर आजम मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों टीम इंडिया की ओर से सब खिलाड़ियों ने लगभग 2-2 विकेट चटकाए और फिर टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पे आती है। इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 86 रन लगाए, श्रेयस अय्यर ने 53 रन की पारी खेली और इसी के साथ टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 7 विकेट के बड़े अंतर से जीता। दोस्तों पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान में फिर हुआ बड़ा हंगामा। दोस्तों पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें चलने लगी कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि बाबर आजम ने तो फांसी लगा ली है, मगर दोस्तों जब चेक किया गया तो भाई ये खबर बिल्कुल बकवास थी। और पाकिस्तान के एक और बंदे ने कहा कि भारतीय टीम से पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाएगी।